हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। एंड ये हमारा आर्क सर्वाइवल इवॉल्व की सोलो सर्वाइवल सीरीज का होने वाला है एपिसोड नंबर 113। तो फाइनली गाइस, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने अपने लिए टाइटन को टेम कर ही लिया है। एंड उस वीडियो में मेरे को काफ़ी ज़्यादा भाई लोगों ने काफ़ी नए नए सजेशन दिए। जैसे कि एक भाई ने बोला कि भाई अब तो तुमने जमीन के सारे डाइनो टेम कर लिए, बस अंडर वाटर एडवेंचर बचा हुआ है वो भी कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। बट एक भाई ने बोला भाई तुमने सारे डाइनो तो टेम कर लिए, अंडर वाटर छूटा हुआ है और एक पुलरोविय छूटा हुआ है, सो उसे टेम कर लो, उसके बाद अंडर वाटर एडवेंचर करना। तो मुझे लगा ये भी ठीक है। और एक भाई का गाइस सबसे मस्त कमेंट था कि भाई टाइटन टेम हो चुका है, टाइटन वर्सेस गीगा करो। एंड उसके बाद अगर टाइटन सर्वाइव कर रहा है करता है तो टाइटन वर्सेस टाइटन करो। तो मुझे गाइस ये सबसे बेटर प्लान लगा, क्योंकि टाइटन तो ऑलरेडी यार 5 दिन बाद मर ही जाएगा क्योंकि ये कुछ खाता नहीं है। तो मैंने कहा हम लोग जो है ना पहले तो पुलोवियो को टीम करेंगे, उसके बाद हम लोग टाइटन वर्सेस गीगा करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना हम लोग टाइटन वर्सेस टाइटन करने वाले। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा मजेदार होगा। बट आज के एपिसोड में गाइस हम लोगों ने ट्राई किया कि हम लोग अंडर वाटर एडवेंचर करने निकलेंगे। सो उसके लिए ना अपने को कुछ डाइनोस चाहिए, जैसे कि अपने को चाहिए एक इथोसोरस एंड एक मैगलोडॉन, क्योंकि अपन लोग मोसासोरस को ढूंढने जाएंगे। तो मैं ज़्यादा ट्राई करूँगा कि हम लोग इथोसोरस को लेके चलें। बट यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड ये देखो, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में टाइटन टीम किया था भाई, मज़ा बहुत आया, बट हम लोगों ने कर ही लिया। एंड देखो भाई, मतलब ये चलता भी है ना जहाँ पे, एंड नीचे जितने भी डाइनोज है सारे के सारे खत्म। मतलब इसके सामने यार कोई भी डाइनो आया एंड वो भी गया। वैसे इसका प्लेटफॉर्म सैडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, एंड यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर इजीली बेस भी बना सकते हैं। वैसे बना तो सकते थे बट यार बना के कोई फ़ायदा नहीं है, 5 दिन बाद ऑलरेडी ये मारा जाएगा, क्योंकि इसके लिए खाने के लिए गाइस कुछ नहीं है, वो तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हम लोग इसको खिला सकें। अगर फूड लेवल 0 तो टाइटन ख़त्म। तो ये था गाइस अपने टाइटन की जर्नी। सो टाइटन से हम लोग 2 कंटेंट निकालेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। बट आज जो है ना गाइस, चलो हम लोग सबसे पहले तो अपना जायंट डोडो का काम पूरा करते हैं। ऑलरेडी अपने पास 2-3 डोडो है जो कि 1.13 स्केल की हो चुकी है, और अपने को जो है ना 3 स्केल की डोडो चाहिए। सो उसको करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अभी जो है ना गाइस, हम लोग यहाँ पे देखते कि अपने पास अभी करने के लिए है क्या। बट अंडर वाटर एडवेंचर करना है तो डेफिनेटली गाइस मेरे को अपने के लिए स्कूबा बनाना पड़ेगा, वो भी हम लोग बनाएंगे। बट अभी सबसे पहले हम लोग जो है ना अपने डोडोस को चेकआउट करने चलते हैं। तो यहाँ पे हमारी डोडोस रखी हुई थी। सो सबसे पहले जो है ना इन डोडोस की मैं मीटिंग कराता हूँ, एंड इनसे जो फर्टिलाइज एग जो मिलेगा मेरे को उसको हम लोग जो है ना गाइस फटाक से डाल देंगे हैच करने के लिए। एंड काफ़ी ज़्यादा भाई लोग बोल रहे थे कि भाई मेरे वाले आर्क में जो है ना एग हैच नहीं हो रहे। तो यार एक बात बताऊँ, अगर आपके पास एयर कंडीशनर है तो उससे हैच करो, अगर उससे हैच नहीं हो पा रहा है तो गाइज मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग काफ़ी ज़्यादा कैंपायर रखो, लगभग 3 या 4 कैंपायर, एंड उसके बीच में अंडर रख दो। कैंपायर जलना चाहिए तो ईजिली हैच हो जाएगा। बट एग जो है ना गाइज आपको कुछ इस प्रोसेस से करना पड़ेगा, मतलब फर्टिलाइज एग होना चाहिए। कहीं आपको रोड में मिला एंड वो एग लेके आप लोग हैच कर रहे हो तो गाइज वो नहीं होने का। तो यहाँ पे जो है ना मेरे को एग तो मिल चुका है, एंड लगभग अपने पास 3 फर्टिलाइज एग है, एंड देखते हैं गाइज इससे अपने को कितना स्केल का डोडो मिलता है। तो भाई जो नॉर्मल एग था, जो मतलब एवी एग था, तो वो तो मैंने खा लिया है। जितने भी फर्टिलाइज एग है अपने में वो चलते हैं हम लोग फटाफट से वहाँ पर रखेंगे। चलो गाइज लेट्स गो। तो यहाँ पे जितने भी फर्टिलाइज एग है ना मैं यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। एक एक करके मैंने सारे ड्रॉप कर दिया, लगभग 5 मिनट में अपने को जो है ना डोडोस के बेबीज भी मिल जाएंगे। सो अब मैं जो है ना गाइज यहाँ पे ट्राई कर रहा था कि मैं अपने के लिए स्कूबा बना सकूँ, बट मेरे पास अभी सीमेंटिक बेस नहीं था। तो यहाँ पे एक बीवर डैम था तो मैंने डिसाइड करा चलो यार उससे मैं थोड़ा सा सीमेंटिक बेस लाता हूँ। एंड अभी अपन को देखना गाइस यहाँ पे अपने साथ बहुत गलत सीन होने वाला है। हाँ वो सीन क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अभी मैं फटाफट से बेस जाता हूँ। एंड मैंने गाइस फटाफट से यहाँ पे सीमेंटिक बेस रखा,
एंड मैं जो है ना अपने लिए स्कूबा वगैरह बनाने लगा था, बट मेरे को बाद में आवाज आया कि यहाँ पे जो है ना कैस्ट्रॉइड ने अपने जायंट डोडोस से फाइट ले लिया, आई मीन अपने डोडोस से, एंड यहाँ पे जो है ना गाइस अपना बिग बॉस मारा गया, आई मीन जो फीमेल डोडो थी जिसका स्किल 1.50 था, वो यार गलती से कैस्ट्रॉइड से मारा एंड मेरे ब्रूट ने जो है ना उसको हार्वेस्ट कर लिया। तो यार यहाँ पे जो है ना मेरा दिल काफी ज्यादा टूटा हो गया था यार, ये क्या सीन हो गया अपने साथ भाई, मेरा यहाँ पे इससे इतना दिमाग खराब हुआ ना, मेरा प्लान था चलो मैं इसको छोड़ देता, बट बाद में मैंने कहा इसको तो नहीं छोड़ूंगा भाई, गलत सीन हो गया भाई, मेरा बिग बॉस मारा गया भाई, यार बिग बॉस 1.50 स्केल का था भाई, मेरा ना दिल बहुत छोटा हो गया है, बट यहाँ पे मेरे को तीन दो मेल मिले एक फीमेल मिली, बस इनका अगर स्केल 1.5 या फिर 1.48 हुआ ना भाई मज़ा आ जाएगा, मतलब 1.4 से तो ऊपर होना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे मैंने सारे के सारे डोडोस को क्लेम कर लिया है और अभी अपन लोग फटाफट से बनाते हैं अपने के लिए स्कूबा और निकलते हैं यार अंडर वाटर एडवेंचर करने के लिए, करने के लिए नहीं, अभी हम लोग मैगलाडॉन टेम करेंगे, इचिनोसॉरस को टेम करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी अपने के लिए। सो ठीक है गाइस, लगभग नहीं यार अपने को ना वो चाहिए स्पूटिंग बैम, सो मैं यहाँ पे आया अपने स्पूटिंग बैम तो नहीं चाहिए था, मेरे को थोड़ा सा आयरन चाहिए, मैंने कहा चलो अभी अपने ये कैनन तो कहीं पर यूज़ नहीं आएगा, सो मैंने जो है ना कैनन को तोड़ के जितना भी आयरन था कैनन को बनाने में काफ़ी ज़्यादा आयरन लगा था वो अभी अपने काम आ जाएगा, सो लेके चलते हैं गाइस उसे फटाफट से, एंड मैं जो है ना अपनी क्वेट्ज़ल को अपने छत के ऊपर रखूँगा क्योंकि वहाँ पे से छेद है तो मैं यहाँ पे से इसकी इन्वेंट्री को एक्सेस ले सकता हूँ नीचे से। तो ठीक है यार मेरे को आयरन चाहिए, मैं आयरन जो है ना यहाँ पे से निकाल दूँगा, चलो भैया आयरन दे दो, कहाँ है ये रहा, हाइट भी ले लेता हूँ क्योंकि हाइट भी चाहिए अपने को, एंड ये जालता हूँ मैं गाइस सारे का सारा आयरन फैब्रिकेटर में। और हाँ यार एक भाई जो है ना मेरे से पूछ रहे थे कि भाई पॉल्यूमर, तो भाई आप जो है ना पॉल्यूमर को फैब्रिकेटर से बना सकते हो, वो आपको अपने इनग्रेम्स में अनलॉक करना पड़ेगा, तो दिखाता हूँ मैं आपको, तो देखो गाइस ये है पॉल्यूमर जो नीचे है ना इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के बगल में क्रिस्टल के बीच में देख रहे हो आप, वो पॉल्यूमर है, तो उसके वो उसको बनाने के हमें चाहिए होगा यार क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडियन और थोड़ा सा सीमेंटिक पेस्ट आई थिंक, उससे जो है ना अपना पॉलीमर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने के लिए फटाफट से यार स्कूबा बना दिया है क्योंकि अंडर वाटर एडवेंचर करना है तो स्कूबा तो चाहिए ही होगा अपने को। तो ठीक है गाइस मैं अपनी इन्वेंट्री में लेता हूँ और निकलते हैं, वैसे मैं मास्क भी बना सकता था बट मास्क का गाइस इतना ज़रूरत नहीं है अपने को। सो वहाँ पे मैं अपने के लिए स्मूथिंग बैम ढूंढा था, स्मूथिंग बैम मेरे को मिला नहीं, फिर जो है ना मैं यहाँ पे आया अपना वेल्केनो वाले बेस में, सो लकीली गाइस यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा स्मूथिंग बैम मिल चुका है एंड तीनों को लेके चलते हैं, जरूरत पड़ सकता है। तो उसके बाद मैंने स्मूथिंग बैम उठाया एंड मैं जो है ना गाइस दोबारा से आ चुका था अपने पुराने वाले बेस में, एंड लिटरली गाइस ये जो है ना टाइटन क्या ही गजब का लगता है, मतलब यार एक प्राउड सा फील होता है कि हम लोगों ने यार टाइटन टेम करा है। तो ठीक है गाइस अभी मैं जो है ना फटाफट से अपने स्कूबा टैंक्स के लिए लेता हूँ और निकलते हैं, थोड़ा सा मेरे को नारकोटिक्स भी चाहिए होगा और थोड़ा सा मीट वगैरह ले लेते हैं, लेट्स गो गाइस आई एम रेडी एंड बूम बम करने के लिए निकलते हैं। वैसे अंडर वाटर का तो मैंने गाइस एक डाइनो टेम करा है, आई मीन दो डाइनो टेम है मेरे पे, एक तो बसिलोसोरस है एंड ये पेसिलोसोरस, भाई इसको टेम करने में लिटरली गाइस हालत ख़राब हो गई थी, मेरा प्लान था कि हम लोग इसको लेके जाएं, हाँ इसको लेके चलते हैं, थोड़ा सा मैगलाडोन एंड इचिनोसॉरस को टेम कर लेंगे क्योंकि इसका स्टैमिना कम है एंड मुझे नहीं लगता मोसोसॉरस को टेम करने में ये फायदेमंद होगा। ओके गाइस 115 लेवल की मैगलाडोन है, चलो इसको टेम करते हैं हम लोग, बट यहाँ पे जो है ना गाइस काफ़ी गलत सीन हुआ, ये मैगलाडोन अपने पेसिलोसोरस के ऊपर अटैक किया एंड उसके बाद जो है ना अपने सारे के सारे डायनोज यहाँ पे आ गए इवन। ओके अभी तक तो नहीं आया,
भाई यहाँ पे ना वो भी है यार, इच्छे तो सोरस, मैंने कहा लेवल चेकआउट नहीं किया तो मैं टेम नहीं कर पाऊंगा, बट ऐसे करो ना नीचे चल के देखता हूँ। वैसे मैंने पैसे में किया हुआ है ना, ओ भाई 75 लेवल का, इसको तो मैं मार दूंगा, ये नहीं चाहिए अपने को। आ जाओ भैया, एक ना गाइस 115 लेवल का भी है, ओके 75 लेवल के वाले को तो मैंने मार दिया है, एंड 115 लेवल वाला अपने स्पेशलोसोरस में अटैक कर रहा है, तो जल्द से जल्द गाइस इसको मैं टॉक्सिक एरोज मारता हूँ एंड अनकॉन्शियस करने का ट्राई करूंगा। भाई टॉक्सिक एरोज है जो डेफिनेटली काफी जल्दी अनकॉन्शियस हो जाएगा। आ जाओ बेटे निकल। तो आई थिंक गाइस ये भागने लगा है तो डेफिनेटली काफी जल्दी अनकॉन्शियस हो जाएगा। ओके सो फाइनली यार यहाँ पे मैगलाडॉन अनकॉन्शियस हो चुका है, पर ये 70 लेवल का कहाँ से आया है, तो इसको मारना पड़ेगा। ठीक है ये 69 लेवल की इच्छतोसोरस, तो ऐसे करते हैं 69 लेवल की हम लोग इच्छतोसोरस को टाइम कर लेते हैं, इच्छतोसोरस चल जाएगा गाइस कम लेवल का भी, बट मैगलाडॉन चाहिए था अपने को हाई लेवल का एंड वो तो यार अपने को मिल चुका है, बट यहाँ पे 40 69 कोई और भी हाई लेवल की। चलो कोई नहीं गाइस हम लोग जो है ना उसी को टाइम करते हैं जो 69 लेवल का था। भाई इस बुकिंग में ओ भाई 115 लेवल के चतुसौरस, भाई मजा आ गया, मतलब मैंने जो है ना इस बुकिंग बैम 115 लेवल के वाले को खिलाया था, मैं तो सोच रहा था 69 लेवल नहीं, बट यही है। चल बेटा एक और बाइट खा ले, अभी एक बाइट में टाइम हो जाएगा तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। इधर गया, ओके ये रहा आ गया ले। तो ओके गाइस यहाँ पे 172 लेवल इच्छतोसोरस एंड अभी जो है ना 115 लेवल की अपनी मैगलाडॉन भी थी। तो चलो इसको फटाफट से जो है ना मैं मीट वगैरह देता हूँ। भाई अपने पास जो है ना मीट है, मीट भी दे दिया, तो भाई इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, बट अपने स्पेशलोसोरस जो है ना उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम है, तो मैं उसे फटाफट से मीट वगैरह फीड कराता हूँ एंड उसकी हेल्थ वगैरह इंक्रीज करेंगे। सो यहाँ पे गाइस इसको टाइम होने में लगभग काफ़ी ज़्यादा रात हो गया था एंड अभी देखता हूँ अंदर चल के आई थिंक टाइम होने वाला होगा। चलो गाइस चलो जंप करके देखें। तो फाइनली गाइस यहाँ पे अपना मैगलाडॉन भी टाइम हो चुका है और मुझे लगता है अभी अपन लोग ऐसे करते हैं यहाँ पे से फटाक से निकलते हैं अपने बेस में, बट बेस में तो पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे अपनी एक ड्राफ्ट है जिसमें अपना बेड भी लगा हुआ है, सो उधर चलते हैं अपन लोग, देखना पड़ेगा किधर है वो ड्राफ्ट, आई थिंक यहीं पे है। ओके गाइस देखो फाइनली अपने को अपनी ड्राफ्ट मिल चुकी है, चलो हम लोग फटाफट से इसके ऊपर चलते हैं एंड सो जाएंगे। तो ठीक है गाइस यहाँ पे मॉर्निंग हो चुका है, आई होप अपने सारे के सारे डायनोज यहाँ पे होने चाहिए एंड अभी हम लोग फटाक से चलते हैं इनको लेके सीधा बेस में। भाई आ रहे हैं, इनके पीछे दंगा करने वाले ना आ जाए कहीं। तो ओके गाइस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके अपने बेस की तरफ एंड अपनी मैगलाडॉन और इच्छतोसोरस के पीछे आ रहे हैं पूरी दंगा करने की पहुँच, एंड वहाँ पे आते ही जो है ना गाइस यहाँ पे गलत सीन होने वाला है बहुत ज़्यादा। चलो अपनी मैगलाडॉन जो है ये ग्रीन कलर की है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, बट अपनी इच्छतोसोरस किधर है? ओके गाइस ये रही एंड मेंटा, ओ मेंटा आ गया यहाँ पे, आई थिंक दंगा छिड़ गया गाइस अंदर। ओ भाई दंगा छिड़ गया, मैं भी जाता तलवार लेके दंगा देख के आता हूँ, ये मैगलाडॉन है, नहीं मैगलाडॉन नहीं मेंटस, मेंटस दंगा कर रहा है। चलो कोई नहीं यहाँ पे ये लोग इसको बजा ही देंगे। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोगों ने आज अंडर वाटर एडवेंचर के लिए दो डायनोस टेम कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुलरोवियो को टेम करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टाइटन की फाइट कराने वाले गीगा से एंड उसके बाद टाइटन वर्सेस टाइटन कराएंगे, मजा आएगा एंड बाद में हम लोग उस टाइटन को मार भी देंगे। तो चलिए गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड मन करे तो यार प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते गाइस हम आप लोग आपसे आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के
एपिसोड नंबर 114 में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइस एंड नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जो करना है करो। तो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।